हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल की वर्ष 2023 में जो 21,391 पदों पर वैकेंसी आई हुई है फ्रेंड्स, उसके लिए आज इस वीडियो में मैं आपको हिंदी और व्याकरण से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको मैं आपको बतलाने वाला हूँ। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, यह सैम्पल वीडियो है और इसी प्रकार से बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए आपको हिंदी का प्रिपरेशन करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, ढेर सारे वीडियोज़ को मैंने कवर कराया हुआ है, उनका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको कम से कम एक ग्रुप में या अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ आप ध्यान से इसको देखिएगा, यहाँ से प्रश्न जो है बनता है एग्जामिनेशन में, ये कोई नहीं बताएगा आपको। देखिए, पूस की रात, यह रचना किसकी है तो यह प्रेमचंद की रचना है। किसकी है? प्रेमचंद की रचना है। अच्छा, प्रश्न ऐसे भी बनता है कि पूस की रात जो है ये क्या है, वैचारिक निबंध है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है या कहानी है, तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है। देखिए, तो CSBC के द्वारा ही इस तरह का प्रश्न पूछा गया है, पूछ लेगा कि कविता की परख यह क्या है, यह कहानी है, वैचारिक निबंध है या संस्मरण है या यात्रा वृत्तांत है, तो इस तरह से भी आप इसको याद रखेंगे। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और रचना जो है यह किनकी है, यह तो आपको ध्यान रखना ही है। पूस की रात यह कहानी है, किसकी? तो प्रेमचंद की। कविता की परख क्या है, यह तो वैचारिक निबंध है, और यह जो है किसकी रचना है, तो रामचंद्र शुक्ल की। भारतीय गायिकाओं में बिजोड़ लता मंगेशकर क्या है, तो व्यक्ति परख निबंध है, किसकी? तो यह कुमार गंधर्व की है। उसके बाद देखिए, आँखों देखा गद्दर यह संस्मरण है, ये बहुत बार पूछा जाता है। आँखों देखा गद्दर यह विष्णु भट्ट गोडसे वरसेकर की है, ठीक है। चलचरित्र फिल्म पर निबंध है यह, किसकी? तो सत्यजीत राय की। उसके बाद देखिए, मेरी वियतनाम यात्रा यह क्या है, यात्रा वृत्तांत है, किसका है? तो भोला पासवान शास्त्री का है, ये आप ध्यान रखेंगे। सिक्का बदल गया कहानी है, किसकी? तो कृष्णा सोबती की। उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति क्या है यह, तो रिपोर्टाज है यह, और यह रचना जो है ये फणीश्वरनाथ रेणु की है। उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति ध्यान रखना है आपको। एक दीक्षांत भाषण यह क्या है, तो व्यंग है, किसकी? तो हरिशंकर परसाई की, ठीक है। सूर्य सांस्कृतिक निबंध है, किसकी है? तो ओदोलेन एस्मेकल की, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, भोगे हुए दिन यह क्या है, कहानी है, ठीक है, किसकी? तो मेहरुनिशा परवेज की। बुनियादी शिक्षा भाषण है कृष्ण कुमार की। उसके बाद देखिए अगला है कि चानन भेल विषम सररे सरस बसंत समय भल पाउल, यह जो है विद्यापति की है, ठीक है। इनको मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, विद्यापति को। संतो देखत जग बौराना हो बलैया कब देखोगी तो ही, यह कबीर की है, ठीक है। कबीर के बारे में प्रश्न पूछा गया है आपको, मैं प्रश्न भी करवाऊंगा, पहले इसको ध्यान से देख लीजिएगा। जो तुम तोड़ो पिया मैं गिरधर के घर जाऊँ, यह मीराबाई की है। और सहजो बाई की मुकुट लटक अटकी मनमाही राम तजू पै गुरु न बिसारो, ठीक है। भारत दुर्दशा बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, भारत दुर्दशा। झंकार मैथिली शरण गुप्त की है। तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। बहुत दिनों के बाद यह नागार्जुन की रचना है। गालिब सोनेट यह त्रिलोचन की है। जगन्नाथ यह केदारनाथ सिंह का है। पृथ्वी नरेश सक्सेना का है। और मातृभूमि अरुण कमल का है, ये मातृभूमि ध्यान रखेंगे। यहाँ से देखिएगा, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाचु कौन सा है। ईश्वर का पर्यायवाचु आपसे पूछा गया है, इसमें से सही जो है कौन सा विकल्प है, तो ईश्वर का जगदीश और इस जो है यह सही पर्यायवाचु दिया गया है। विश्वम्भर और विश्वरूप जो है यह भगवान विष्णु का पर्यायवाचु शब्द है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। विश्वम्भर और विश्वरूप किसका पर्यायवाचु शब्द है, तो भगवान विष्णु का। चलिए उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाताल शब्द का उचित विलोम आपको बताना है, तो पाताल का जो विलोम हो जाएगा वो आपका आकाश हो जाएगा, ठीक है।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि सड़क पर कोई खड़ा है, सड़क पर कोई खड़ा है और कोई पर देखिए यहाँ अंडरलाइन किया गया है और पूछा गया कि उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द यानी कि ये कोई जो है कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ कोई खड़ा है, यहाँ पर देखिए कोई निश्चित चीज़ का जो है यहाँ पर बोध नहीं हो रहा है, कोई खड़ा है यानी कि यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सुंदर शब्द का सही विपरीत अर्थक शब्द बताना है यानी कि जो उल्टा शब्द इसका सुंदर का बताना है। तो सुंदर का क्या हो जाएगा, सुंदर का जो है असुंदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सुंदर का असुंदर हो जाएगा, कुरूप हो जाएगा, ठीक है ध्यान रखेंगे आप। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो वेदोक्त का क्या हो जाएगा, वेद प्लस उक्त हो जाएगा, यह सही संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जित प्लस इंद्रिय, ठीक है जित प्लस इंद्रिय राइट आंसर हो जाएगा। लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता कौन सी है, लीलाधर जगुड़ी के द्वारा रचित जो है कौन सी इसमें से कविता है। देखिए लीलाधर जगुड़ी को 2018 में व्यास सम्मान दिया गया था, अच्छा 2022 में इस बार व्यास सम्मान किसको दिया गया है, तो ज्ञान चतुर्वेदी को, याद रखेंगे नाम ज्ञान चतुर्वेदी को, उनकी रचना पागलखाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता जो है यह मेरा ईश्वर है, ठीक है मेरा ईश्वर है ध्यान रखेंगे। बादल राग किसका है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानी कौन सी है, तो इसमें से फणीश्वरनाथ रेणु की जो कहानी है यह आपसे पूछा जा रहा है, बताइए राइट आंसर क्या होगा, तो लाल पान की बेगम, लाल पान की बेगम, ठीक है। सूखी नदी का पुल जो है ये रामधारी सिंह दिनकर का है। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद का है, उसने कहा था यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। चलिए अगला प्रश्न है कि यह कहानी एक कहानी यह भी किसकी रचना है, बताइए, तो फ्रेंड्स यह मनु भंडारी की है, किसकी है मनु भंडारी की है। किस विकल्प में सही विलोम युग्म दिया गया है, तो यहाँ पर देखिएगा गौरव का विलोम जो है लाघव होता है, यह जो है बिल्कुल सही जोड़ा दिया गया है। अगला प्रश्न करेंगे कि कौन से कथन शब्द कमल के सभी पर्यायवाची हैं, तो कमल का जो है पंकज होगा अरविंद होगा, अंबर नहीं होता है, उसके बाद देखिए सरोज पंकज अरविंद, ये वाला जो सेट दिया गया ना बिल्कुल यह सही दिया गया है, ठीक है। चलिए दाल का बहुवचन शब्द क्या होगा, तो दाल का बहुवचन दाले हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि संज्ञा शब्द जहर में ईला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा, तो ये जहरीला बन जाएगा, ठीक है जहरीला इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए जहरीला लिखा गया, ये गलत है, जहरीला ऐसे लिखा जाता है। श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार जो है ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर देखिएगा कह रहा है कि जो यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है उसमें से रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्द द्वारा पूर्ति के लिए कुछ विकल्प प्रस्तावित हैं, उपयुक्त विकल्प को चुनिए। अब यहाँ पर देखिए काव्य के खाली स्थान दिया गया है, में कवि अपने इष्ट देव की स्तुति करता है, तो काव्य के मंगल आचरण में, ठीक है मंगल आचरण में कवि अपने इष्ट देव की स्तुति करता है। इस तरह से आप इसमें से जो सही होगा वो आपको भरना है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा किसी भी वाक्य में शब्दों के खाली स्थान दिया गया में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, तो शब्दों के प्रयोग में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, तो यहाँ पर जो है प्रयोग हो जाएगा। इस समय हमारे देश पर कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय खाली स्थान दिया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय इसमें से ऋण है, कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय ऋण है इस समय हमारे देश पर। चलो उसके बाद देखिएगा इसमें है समानार्थी शब्द आपको बताना है, अतुल का क्या होगा, अतुल का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो देखिए अतुल का जो है समानार्थी शब्द आपसे पूछा गया है जो कि क्या हो जाएगा अद्वितीय हो जाएगा, ठीक है अद्वितीय हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसी प्रकार से यहाँ आपको बताना है कलोल का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तो कलोल का समानार्थी शब्द लहर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ आपको विलोम शब्द बताना है, वक्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, वक्र का विलोम शब्द जो है ये सीधा हो जाएगा, ठीक है। चलिए ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा,
ज्येष्ठ का विलोम शब्द कनिष्ठ हो जाएगा। सघन का क्या होगा, तो सघन का विरल होता है, सघन का विरल आप याद रखना आपको, ठीक है। सघन का क्या होता है, विरल होता है, यहाँ विघन दिया गया है, विरल भी याद रखेंगे आप, ज़्यादातर आपको विरल ही देखने को मिलेगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर एक शब्द आपको बताना है, जो डर के बल चलता हो उसको क्या कहेंगे, जो डर के बल चलता हो उसको क्या कहेंगे, तो उसको डरग कहेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ है उसको क्या कहेंगे, तो अनुचित ढंग से जो लाभ प्राप्त होता है उसको अवलाभ कहेंगे, अपलाभ। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, मैथिली शरण गुप्त की रचना इसमें से कौन सी नहीं है बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। ये प्रश्न कई बार मैंने आपको कराया हुआ है, कई बार मैंने आपको कराया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रखा है जो मैंने कराया है, तो इसका आंसर आप दे करके बताएंगे। भारत भारती मैंने आपको बताया है किसकी रचना है, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हैं। देखिए कबीरदास के पदों का संग्रह है तो ये बीजक में है, ठीक है, कहाँ पर, बीजक में। मेरे कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है, मेरी कविता मेरे गीत जो है यह आपका हो जाएगा पद्मा सचदेव, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता की परख निबंध के लेखक कौन है, कविता की परख निबंध के लेखक कौन है, तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इन सब के बारे में बताया था, बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए कविता की परख जो है इस निबंध के लेखक है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि व्याकुल का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा वी प्लस आकुल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही अर्थ होता है संकल्प करना, किसी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय करना, ठीक है। जो बहुत कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है, तो जो बहुत कुछ जानता हो उसको बहुश्रुत कहेंगे। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द, तो उसको कहेंगे दुर्लभ, क्या कहेंगे, दुर्लभ कहेंगे। चलिए उसके बाद देखिए जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है, तो उसको हम मितभाषी कहेंगे, ठीक है, मितभाषी। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द बताना है, रावण का क्या होगा, चतुरानन पीताम्बर पंचानन दशानन, तो इसमें से दशानन जो है रावण का सही पर्यायवाची शब्द है, दस सिर है जिसके, यानी कि वह रावण है। किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द, तो इसको हम लोग कहेंगे अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति राइट आंसर हो जाएगा। तो लगभग 40 उनको मैंने कवर करा दिया है, इसी प्रकार से मैं अंग्रेजी भी आपको कवर करवा दूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स और इसको शेयर कर दीजिए।